सुप्रभात छात्रों, RCI एजुकेशन हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम और टॉपिक है हमारा अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं? अकारांत पुल्लिंग शब्द लिखो, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ए की मात्रा हो, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ए की मात्रा हो उन्हें, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ए की मात्रा हो उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ए वर्ण आता हो या फिर ए की मात्रा हो, एक ही बार ए की मात्रा हो, उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। यथा जैसे, बालक राम शिक्षक, बालक राम शिक्षक छात्र मोहन आदि। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो बेटा, बालक का अंतिम वर्ण क्या है? क, और क में किसकी देखो उच्चारण करके देखो, क में क्या है? ए। ठीक है, इसलिए ये अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाया। उसके बाद देखो राम का अंतिम वर्ण क्या है? मैं। उच्चारण करके देखो, मैं में क्या है? ए। उसके बाद क्या है? शिक्षक का अंतिम वर्ण क्या है? क में क्या है? ए। छात्र का अंतिम वर्ण क्या है? त्रय, और त्रय में क्या है? ए। उसके बाद क्या है? मोहन का अंतिम वर्ण क्या है? न, और न में क्या है? ए। इसी प्रकार से सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, मूसक हो गया, ठीक है, कपोतय हो गया, पाठ्य हो गया, ये सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। यानी कि जिस संज्ञा शब्द के अंत में किसकी मात्रा हो? ए की मात्रा हो, उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अब बेटा आते हैं शब्द रूप में जुड़ने वाले प्रत्यय, यानी अकारांत शब्द रूप में जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वो देखो। सबसे पहले आते हैं बेटा, ये आपको मालूम ही है, हमारे संस्कृत में पहले आपको कल बताया था कि संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और जो शब्द रूप हैं हमारे, शब्द रूप प्रथमा विभक्ति से लेकर के संबोधन तक चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे विभक्ति, उसके बाद एकवचनम, द्विवचनम, और बहुवचनम। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, विभक्ति प्रथमा से लेकर के संबोधन तक, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और लास्ट है संबोधन। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें प्रत्यय किस प्रकार से जुड़ रहे हैं, यानी कि जो
शब्द है उसके आगे प्रत्यय कैसे जुड़ेंगे? ए आउ आहा, ए आउ आ, अम आउ आन, एन अभ्याम, आई आई अभ्याम, एभ्य आत अभ्याम, एभ्य अश आयो आनाम, अश आयो आनाम, ए आयो एशु, हे ए हे आऊ, हे आ। ठीक है बेटा, ये क्या हो गए? प्रत्यय हो गए। अब ये किस प्रकार से जुड़ते हैं ये देखो। जैसे कि ये बालक शब्द है, क्या है? बालक शब्द है, ठीक है, ये बालक शब्द है। और बालक का अंतिम वर्ण क्या है? क, ये क व्यंजन वर्ण है। अब इसमें हम क्या निकाल लेते हैं? स्वर निकाल लेते हैं, ए की मात्रा निकाल लेते हैं। ये बताया ना परिभाषा में कि जिन संज्ञा शब्दों के अंत में किसकी मात्रा हो, ए की मात्रा हो, उन्हें अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अब देखो बेटा, बालक में ए की मात्रा निकाल लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाता है? ये इस प्रकार से बच जाता है बालक, यानी कह के क्या लग जाता है? हलंत लग जाता है, क्योंकि ए स्वर हमने निकाल लिया। अब जब ये शब्द है, अब इस बालक शब्द में ये ए की मात्रा मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? बालक है। क्या बन जाएगा? बालक है, ठीक है। इस बालक में यानी कि हलंत वाला बालक है प्लस इसमें क्या मिलाएंगे? ये वाला ए, तो क्या हो जाएगा? यानी ए की मात्रा क में आ जाएगी और क्या हो जाएगा? बालक है। उसके बाद औ है तो क्या हो जाएगा? बराबर बालकऊ। क में ये हलंत वाला जो क है इसमें औ की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा? बालकऊ। बालक प्लस आहा क्या हो जाएगा? बराबर बालकहा, बालकहा, ठीक है। तीसरा है, दूसरा है द्वितीय विभक्ति में अम प्रत्यय जुड़ा हुआ है, क्या है? अम, बालकम। फिर द्वितीय द्विवचन में बालक प्लस औ सेम क्या हो जाएगा? बालकऊ, ऐसे कैसे? और बहुवचन में क्या हो जाएगा? बाल कान, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, तृतीय एक वचन में एन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, कै पर एक ही मात्रा आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? बालकेन, बालकेन, ठीक है, ये हलंत नहीं आएगा, ठीक है। बालकेन अभ्याम क्या हो जाएगा? बराबर बालकाभ्याम, और ये आई है क्या हो जाएगा? बाल कई, ठीक है। उसके बाद देखो आय क्या हो जाएगा? बालकाय, चतुर्थी द्विवचन में बालकाभ्याम और बाल के भे, ठीक है। उसके बाद पंचमी एक वचन में बालक प्लस आत क्या हो जाएगा? बालकात, बालकात, ठीक है, बालकात। और पंचमी में बहुवचन में बालकाभ्याम और बहुवचन में बालके बे, पंचमी द्विवचन में बालकाभ्याम और बहुवचन में क्या हो जाएगा? बालके बे। उसके बाद षष्ठी बालक प्लस आत से क्या हो जाएगा? बालकश्य, बालकश्य। और षष्ठी द्विवचन में प्रत्यय कौन सा जुड़ रहा है? अयो,
तो बालक प्लस अयो क्या हो जाएगा? बालकयो, बालकयो। और बालकयो के क्या लगा देंगे? विसर्ग। उसके बाद है आनाम, क्या हो जाएगा? बालक प्लस आनाम, बाल का नाम। ठीक है, उसके बाद देखो ए, कौन सा प्रत्यय जुड़ रहा है? ए, सप्तमी एक वचन में ए, तो क्या हो जाएगा? बालके, बालके, बालकयो, और द्विवचन में बालकयो, ऐसे कैसे? और बहुवचन में एसु, तो क्या हो जाएगा? बाल केशु। ठीक है, उसके बाद हे बालक, हे बालक, अव की मात्रा है, हे बालकौ, हे बाल कहा। ठीक है बेटा, ये इस प्रकार से, यानी कि जैसे हमने बालक शब्द पर ये प्रत्यय लगा करके हमने ये शब्द रूप बनाया है, उसी प्रकार से हम राम शब्द के आगे भी ऐसे ही प्रत्यय जोड़ जोड़ कर हम ये बना देंगे, ऐसे ही हम शिक्षक के बना देंगे, ऐसे ही हम छात्र के बना देंगे, ऐसे ही मोहन के बना देंगे। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ क्या हो जाएगा? राम है, रामहु, रामहा, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, उसके बाद रामात, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामे, रामयो, रामेशु, हे रामा, हे रामौ, हे रामा। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से हम राम शब्द के भी बना देंगे, शिक्षक के बना देंगे, छात्र के बना देंगे और मोहन के भी बना देंगे। अब बेटा आपको एक बात ध्यान रखनी है, विशेष रूप से ध्यान रहे, जिस संज्ञा शब्द में, जिस संज्ञा शब्द में रे, री, षटकोण वाला श, क्षत्रिय वाला छ, आए, तो तृतीय, तृतीया एक वचन में, तृतीया एक वचन में न की जगह, जगह अणे तथा षष्ठी बहुवचन में आनाम की जगह की जगह आनाम हो जाएगा। ठीक है, आनाम की जगह क्या हो जाएगा? आनाम हो जाएगा। अब बेटा देखो यहाँ हमने क्या किया, आनाम, बाल का नाम, यानी आनाम प्रत्यय जुड़ रहा है ना, इसमें अगर किसी भी संज्ञा शब्द में क्या आए, रे आए, री आए, षटकोण वाला स आए, क्षत्रिय वाला छ आए, तो वहाँ पर तृतीय एक वचन में जो एन प्रत्यय आता है, न आता है, उसकी जगह तो क्या हो जाएगा? अणे। ठीक है, अणे हो जाएगा। और षष्ठी बहुवचन में आनाम है जो, यानी कि ना जो है, उसमें क्या हो जाएगा? अणाम हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे कि राम शब्द है, उसमें राम, यहाँ तो क्या हो जाएगा? रामेण, यानी अणे आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? रामा नाम, नाम है ना, या रामानाम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि राम शब्द में क्या आ गया? रे। ऐसे ही शिक्षक में क्षत्रिय वाला क्या आ गया है? छ, इसीलिए। ठीक है, अपनी होमवर्क वाली नोटबुक में नोट कर लेना, अच्छे से इसको याद कर लेना। ठीक है, इसके आगे कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।